हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और म्यूज़िक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, जैसे कि गिटार कोर्स हो गए, बीट कैसे बनाते हैं, या जो भी मुझे पता चलता है, जो भी मुझे ज़रूरी लगती हैं वीडियोस, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। सो प्लीज़ आप अपना प्यार बरसाएँ और चैनल को ग्रो कराएँ। अब बात करते हैं कि हम मिडी कीबोर्ड से पीसी में डायरेक्टली रिकॉर्डिंग कैसे करें, यानी कि नोट्स वगैरह, मेलोडी वगैरह को हम कैसे रिकॉर्ड करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मेन फोकस होना चाहिए आपका, वो ये होना चाहिए कि आपका जो कीबोर्ड है, मिडी कीबोर्ड, वो पीसी से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपको पीसी से कनेक्ट नहीं करना आता तो आप मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट डे ही वीडियो अपलोड कर दूँगी इसके, ठीक है, कि सेटिंग कैसे करते हैं मिडी कीबोर्ड की। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा हमें, उसके लिए हमें जाना होगा एक, हम कोई भी सैम्पलर में कुछ भी हम ले लेंगे जो हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो मैं ड्रम पैड ले लेती हूँ, या इसको रहने देती हूँ, एक मिनट रुकिए, कोई मैं ये साइट्रस लेती हूँ। ओके, मैंने साइट्रस लिया, ये देखिए, अभी ये मैं माउस से बजा रही हूँ, ठीक है। तो अब ये मुझे मिडी कीबोर्ड से रिकॉर्ड करना है, तो मैं क्या करूँगी इसके लिए, उसके लिए देखिए, उसके लिए मुझे जाना होगा सबसे पहले यहाँ पर, ये जो रेड वाला बटन दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पर मेरा कर्सर है, इसको हम ओके करेंगे। एंड ये देखिए, आपके सामने कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग का ये आपको दिखाई देगा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये नोट्स, एनिमेशन, एवरीथिंग ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, हमें मिडी कीबोर्ड से रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हमें नोट एंड ऑटोमेशन में क्लिक करना होगा, ये थर्ड नंबर पे है, नोट्स एंड ऑटोमेशन। ओके, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक हो गया। तो देखिए, अब जब हम इसको अपना, ये देखिए, मैं अभी मीडी से प्ले कर रही हूँ, ये मैंने मीडी से प्ले किया, अब मुझे रिकॉर्ड करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जाके इस पे क्लिक किया, अब देखिए, तो देखिए अब ये यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, ये देखिए सामने आपके। और मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ कुछ भी। ओके, अब फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, अब मुझे इसमें करना है, एक मिनट, अब मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करूँगी, एक वो जो पहले वाला मैंने रिकॉर्ड किया है ना, उसकी साउंड नहीं आ रही थी, तो मैं एक बार आपको फिर से करके दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया, तो देखिए ये यहाँ पर अब रिकॉर्ड हो गया, आप सुन सकते हैं। तो आप लोग ऐसे ही अपनी जो मेलोडी है या जो भी आपको करना है, और पियानो भी मैं एक बार करके बता देती हूँ आपको, इजीली आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। मैं पैटर्न चेंज कर लेती हूँ, तो देखिए आप एफएल की में जाऊँगी, मैं पियानो रोल ले लेती हूँ एंड यहाँ पर क्लिक करूँगी। ये ध्यान रखना बस, आप जब भी करोगे, जब आप यहाँ पर क्लिक कर लेना और इस पर, ओके, तो देखिए तो आप लोग ऐसे ही इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। सो वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी ऐसी वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।